है आपका स्वागत है। मैं मिस्टर विशाल मौर्य, आज BIT ट्रिपल ई बेलोरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ये एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं इसके बारे में बात करूंगा। ये लोग एग्जाम नहीं, एक रूप में स्कैम कराते हैं। इन्होंने जब एग्जाम कराया, एग्जाम में गड़बड़ी कराई। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में सर्वर एरर था। जहां तक मेरा मानना है, एक स्टूडेंट में ऐसा था कि उसका हर 10 सेकंड पे, हर 10वें सेकंड लैपटॉप क्लोज हो जाता था। मतलब उसके स्क्रीन से क्वेश्चन गायब हो जाता था। अब यार 10 सेकंड में क्वेश्चन गायब हो जाएगा तो कोई स्टूडेंट उसको पढ़ नहीं पाएगा, और कोई इतना माइंडेड नहीं होता है कि इतना लंबा क्वेश्चन मैथ का वो 10 सेकंड में पढ़ जाए और उसको सॉल्व कर ले जाए। उसको बार बार देखना पड़ता है। इस वजह से करीबन उसके आधा घंटे तो इसी में बर्बाद हो गई। तो ये सबसे नंबर 1 स्कैम है। चलो ये स्कैम हुआ, चलो अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जब पेपर देने की बात आती है जिस पे आप सॉल्व करेंगे, वहाँ कहते हैं केवल 2 पेज मिलेगा, बस 2 पेज से ज़्यादा ये नहीं दे सकते हैं। मतलब ये कैसा रूल है, आप 1200 रुपये आप एग्जामिनेशन फी चार्ज करते हो, उसके बाद में 2 पेज देते हो, 2 पेज मतलब 600 रुपये का एक पेज, 600 × 2 = 1200, 1200 रुपये। तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जहाँ पेपर हो रहा होता है वहाँ पे इनके जो मोस्ट ऑफ द वर्कर होते हैं वो पेपर के समय गायब रहते हैं। आपको पेज की जरूरत लगेगी तो आप आधे घंटे उनको बुला रहे हो, मतलब अप्रोक्सी 10 मिनट तो लग ही जाते हैं इनको बुलाने में, तब ये कहीं आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम गायब रहते हैं। तो यहाँ से करीबन आपके 40 से 45 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। BIT वाले मांगेंगे प्रूफ तो मैं खुद उनको प्रूफ दे दूंगा, ये मेरे पास प्रूफ है। और जो सबसे बड़ा स्कैम है इनका, वो है इनके रैंकिंग का स्कैम। ये रैंक ऐसी बना देते हैं कि क्या बताएं। जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4000 के अंदर रैंक आ जाए, उसका 70000 के पास चला गया। देखिए, वो एक्सपेक्ट करना अलग बात है और किसी का रियलिटी जानना अलग बात है। जिस इंसान ने JEE Main में अच्छा करा है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्या वो BIT EEE में अच्छा नहीं दे सकता है? BIT EEE का एग्जाम जो है JEE से आसान होता है और आसान था। यहाँ पे जब उसका किसी बंदे का 75 नंबर से ज़्यादा सही है तो उसका 70000 रैंक कभी बन ही नहीं सकता। ये 75 नंबर से ज़्यादा है तो मेरा मानना है, प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देखेंगे तो वहाँ पे 7 से 8 हज़ार या 5-6 हज़ार के आसपास रैंक आ जानी चाहिए। तो 5-6 हज़ार ये रैंक नहीं दे रहे हैं, ये 70000 रैंक दे रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम केवल BIT में हो सकता है। यार आप एग्ज़ाम करा रहे हो कि क्या करा रहे हो? इससे अच्छा तो स्कूल का एग्ज़ाम हो जाता है, होम का एग्ज़ाम, वहाँ तो ढंग से कापियाँ चेक हो जाती हैं। ये रैंक दिखा रहे हैं, बस SMS कर दे रहे हैं कि आपका कांग्रेचुलेशन, आपकी रैंक 70000 आई है। उसके बाद में आप कितने मार्क्स पाए हो, क्या है, कैसे है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की हो, कहाँ टिक हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, इनका कुछ पता ही नहीं है। JEE Main में है तो वहाँ पे आ जाता है आंसर की, वहाँ पे दिखा देते हैं कि आपने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से इतना माइनस है, ये है, वो है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आपको रैंक मिलेगी, बस रैंक लेके खुश रहिए। और रैंक फर्जी रैंक है, आप ढंग से रैंक बनवाइए। इनसे जब बात करें हैं, आप कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ सुन लीजिए, मैं आपको लगा दे रहा हूँ। इन्हें कॉल रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि ये 3-3 बार वेरीफाई हुआ है रिजल्ट, उसके बाद में जारी किया है। मानता हूँ आपने वेरीफाई कराया, 100% वेरीफाई कराया, लेकिन यार रैंक इस तरह क्यों बनाते हो? ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं, हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुआ है ऐसा। मेरे पास मेल है, बहुत सी हैं, आप बहुत से स्टूडेंट के से पूछिएगा, वहाँ पर ऐसा हो चुका है। जिसको गारंटेड है कि उसका रैंक 2000-3000 आना है, उसका 70000 दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको पता है, 100% कॉन्फिडेंट है कि उसका रैंक इतना आएगा, उसने 75+ मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कैसे नहीं आएगा? ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या बता रहे हैं, प्रोविजनल तरीके से रैंक तैयार होती है। क्या घंटा तरीके से तैयार होती है? जो 20 नंबर पाएगा उसका 2000 रैंक कर दोगे, और जो 70 नंबर पाएगा उसका 70000 कर दोगे? ये कैसा सिस्टम है? तो BIT इसमें आपकी गलती है, आप इसको सुधारिए, वरना कोई जल्दी फॉर्म नहीं भरेगा आपका।